अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना असहमति में राय रखिए। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। अर्थ मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, और चूंकि आप लगातार अर्थ जानने में लगे रहते हैं, इसलिए आप अर्थहीन महसूस करने लगते हैं। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, ये जानना है कि ना कुछ पाना है और ना कहीं जाना है। आप वो बन जाते हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह खुशी आपको चलाए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं। खुद को स्वीकारिए। केवल वो लोग जो कुछ भी नहीं बनने के लिए तैयार हैं प्रेम कर सकते हैं। कोई चुनाव मत करिए। जीवन को ऐसे अपनाए जैसे वो अपनी समग्रता में है। कोई प्रबुद्ध कैसे बन सकता है? बन सकता है क्योंकि वो प्रबुद्ध होता है। उसे बस इस तथ्य को पहचानना होता है, जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जब मैं कहता हूँ कि आप देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं, आपकी क्षमताएं अनंत हैं। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, ये एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। मित्रता शुद्धतम प्रेम है। ये प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहाँ बस देने में आनंद आता है। यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है। और अब आपके अंदर कोई विचार नहीं चलता, इसलिए कोई व्याकुलता नहीं होती। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, इसके उलट सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है।